प्रियतमा का रंग सांवला है इसे बोल के उज्जवल नीले आकाश तक लेके गए हमारे ऋषभदेव शर्मा जी। हर एक कलर के जो अर्ध है हमको विस्तार ढंग से बताया गया है। ये सुनकर काचना चीमू नेतुटि मरकल तोलगिंचे एर्रदना निंडदना चे नल्लटि चाकली बंडनी, मतलब इस देश के वो त्रिवर्ण पता के जो कलर्स को धो धोकर धोबी घाट में लाल झंडा के असली कलर दिखाने वाले काला पत्थर हूँ मैं, ऐसा बोलने वाले प्रगतिवादी कवि शमशेर जी को हम और एक बार याद करके अभी अध्यक्षीय भाषण देने के लिए सत्यकाम साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। और जो परंपरा है कि अध्यक्षीय भाषण अंत में होता है तो इसे अध्यक्षीय भाषण न समझा जाए और मेरी टिप्पणी समझी जाए जो कुछ मैं आप लोगों के सामने निवेदन करना चाहता हूं। और जब प्रोफेसर दिलीप सिंह मंच पर बैठे हुए हैं तो किसी को अध्यक्ष होने की हिमाकत भी नहीं करनी चाहिए। प्रोफेसर दिलीप सिंह जी और मित्रों मंच और इस सभागार में उपस्थित कट्टीमणि जी, टी मोहन सिंह जी और प्रिय विद्यार्थियों, देखिए आज क्रिकेट का मैच चल रहा है और आप लोग बैठ के शमशेर पर बात कर रहे हैं। मैं बहुत आपके साहस और आपके धैर्य की को साधुवाद कहना चाहता हूं। मित्रों सुबह से जो चर्चा हो रही है और जिस ढंग से ये चर्चा शुरू हुई वो बहुत सकारात्मक है। जब हम किसी ऐसे कवि पर बातचीत कर रहे हो जो कवि न कभी किसी वाद से घिरा न भाषा उस पर अपना अधिकार स्थापित कर सकी न कोई चिंतन उस पर हावी हो सका, तो निश्चित रूप से ऐसे कवि पर बात करते हुए हम केवल उसी कवि तक सीमित नहीं रह जाते, केवल उसके साहित्य, केवल उसकी भाषा, उसके शिल्प तक ही सीमित नहीं हो जाते, क्योंकि ऐसा कवि अपनी रचना में राष्ट्र का निर्माण करता है। और जब वो राष्ट्र का निर्माण करता है तो न प्रयोगवाद का कवि होता है न प्रगतिवाद का कवि होता है। मेरा शिद्दत से यह मानना है कि किसी भी कवि पर, चाहे वो निराला हो, चाहे मुक्तिबोध हो, किसी भी, चाहे प्रेमचंद हो, किसी भी कवि या रचनाकार पर बात करते समय हमें इन वादों को, इन धड़ों को तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक कवि अपने आप में विशिष्ट होता है और उस कवि पर बात करना जरूरी है। शमशेर बहादुर सिंह के व्यक्तित्व की चर्चा हुई, उनके मधुर संकोची व्यक्तित्व की चर्चा हुई और ये संकोच भी कहीं कहीं उनकी कविताओं में दिखाई पड़ता है और वो संकोच तब दिखाई पड़ता है जब वो अपने आप से बात करते हैं, जिसकी बहुत सारे जिसके उदाहरण दिए गए। लेकिन जब वो लोकोन्मुख होते हैं, अभी ग्वालियर से संबंधित कविता की चर्चा हुई, उन रंगों की चर्चा हुई, जब वह व्यक्ति लोक से जुड़ता है, जब वह व्यक्ति सीधे मजदूरों से जुड़ता है, जब संघर्ष करने वालों से जुड़ता है, तो उसकी कविता पूरी तरह खुलती है। तब वो केवल एक चित्र नहीं रह जाते, केवल वो एक रंग नहीं रह जाते, बल्कि पूरी की पूरी लोक चेतना रंग बनकर उभरती है और चारों ओर छा जाती है। तो शमशेर को मैं मूलतः लोक कवि मानता हूं, जन कवि मानता हूं और इसी रूप में उनकी कविता में जो शुरू से लेकर अंत तक एक उदासी नजर आती है, निश्चित रूप से वह उनकी व्यक्तिगत उदासी है, उनकी पारिवारिक उदासी है, उनके मन की उदासी है और ये उदासी उनकी कविताओं में भी है। लेकिन
केवल यह मात्र पारिवारिक या व्यक्तिगत उदासी नहीं है, बल्कि समाज के प्रति जो सरोकार है उनके मन में, जो चिंता है उनके मन में, उसको लेकर भी उनके मन में उदासी है। जो उन्होंने अपने अपनी कविताओं में धर्मनिरपेक्षता के बारे में लिखा, जिस तरह से अभी जिस तरह से बात हो रही थी कि हिंदी उर्दू को लेकर जो एक अलगाव है, जो धर्मनिरपेक्षता को लेकर एक अलगाव है, वो उनके मन की पीड़ा है, और वही उनके मन की पीड़ा उनके उनकी कविताओं में व्यक्त होती है। शमशेर बहादुर सिंह मात्र एक कवि नहीं है, वे कवियों के पुंज हैं, कवियों के समुच्चय हैं। कभी उन्हें पढ़ते हुए लगता है कि हम अज्ञेय को पढ़ रहे हैं, और दूसरे छोर पर कभी उन्हें पढ़ते हुए लगता है कि हम नागार्जुन को पढ़ रहे हैं। नागार्जुन, निराला, मुक्तिबोध, त्रिलोचन आपको जगह जगह उनकी कविताओं में झांकते नजर आएंगे। बार बार ये कहा जाता है कि शमशेर बहादुर सिंह एक कठिन कवि, शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं को समझना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं मानता, शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं जब हृदय से निकलती हैं तो उनकी कविताएं बहुत ही चिंतन परक होने के बावजूद हमारे हृदय को भेदती हैं। ठीक है, हो सकता है कि कुछ कविताओं को हम व्याख्यायित न कर सके, मैं कविताओं को व्याख्यायित करने के बहुत पक्ष में रहता भी नहीं। जैसे ही कविता की व्याख्या की जाती है, कविता मर जाती है, और इस दृष्टि से शमशेर की कविता की व्याख्या नहीं की जानी चाहिए, वो समझने वाली चीज है। उनकी कविताओं में जो रंग है, जिसका इतना विस्तार में, एक कवि जब समस्त कलाओं से ग्रहण करता है तो उसकी कविताओं में जो रंग फैलता है, जो चित्र फैलता है, और शमशेर इसी लिहाज से तमाम प्रयोगवादी और प्रगतिवादी कवियों से अलग है। वे जनता के साथ हैं, मजदूर के साथ हैं, लेकिन उन्हें ठेठ मार्क्सवादी कवि भी हम नहीं कह सकते। वे प्रयोगवाद के कवियों के साथ खड़े दिखाई नहीं देते हैं, ऐसा लगता है कि वो कला के लिए कला रच रहे हैं, लेकिन उनकी कविताएं उस दायरे को भी तोड़ती हुई नजर आती है। तो मित्रों, जब हम शमशेर को पढ़ें तो एक सहृदय पाठक के रूप में पढ़ें, तभी उनकी कविताओं को हम आत्मसात कर सकते हैं। अभी प्रोफेसर दिलीप सिंह ने उनकी काव्य भाषा के जितने चित्र उकेरे, जिस तरह जिन 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 प्रतीकों और जिन क्रियाओं और जिन भाषा के नए नए आयामों से प्रोफेसर दिलीप सिंह ने हमें परिचित कराया, वह निश्चित रूप से एक भाषा वैज्ञानिक का काम है कि वो उनकी कविताओं को हमें समझाए। लेकिन जब कवि लिखता है तो वो इस बात कि चिंता नहीं करता है कि उसकी कविताओं में कौन सी क्रियाएं आ रही हैं, किस तरह से वो कविताएं लिख रहा है, उसके उसका तो उसकी लेखनी चलती है, और उसकी लेखनी से ही नई नई क्रियाएं, नए नए रंग और नए नए रूप निकलते हैं। आमतौर पर ये कहा गया और कहा जाता है कि वे प्रेम के कवि, कवि प्रेमी तो होता ही है, बिना प्रेम का गायक हुए कोई कवि हो ही नहीं सकता है। लेकिन शमशेर की कविताओं का जो प्रेम है, वह प्रेम एकालाप के रूप में ज्यादा आता है, और इस तरह उनके उनकी कविताओं में वर्णित प्रेम बिल्कुल अलग रूप में सामने आता है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा अंत में कि अपने समकालीनों के प्रति काफी
बेहद संवेदनशील रहे हैं शमशेर, इसलिए उन्होंने अपने समकालीनों के लिए जितनी कविताएं लिखी हैं, हिंदी में कम कवि हैं जिन्होंने अपने साथियों पर इतनी कविताएं लिखी हैं। तो इस प्रकार मैं ये मानता हूं कि शमशेर अपने एक अनूठे कवि हैं और उन्होंने केवल विचार पर आधारित कविताएं नहीं लिखी हैं बल्कि हृदय से निकली हुई कविताएं भी लिखी हैं और वही कविताएं मुझे बेहद पसंद आती हैं जो उनके दिल से निकली हूँ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये नियम तोड़ने की इजाज़त दी और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस संगोष्ठी को बहुत दिनों तक याद रखूँगा और मैं उन सभी आलेख वाचकों से माफ़ी मांगूंगा, खासतौर पर श्रवण कुमार मीणा जी से और हीरालाल बछौतिया जी से, जिनका वक्तव्य मैं नहीं सुन सकूंगा। ये मेरी थोड़ी सी मजबूरी है और आप लोग इसके लिए मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ मैं इसके लिए, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुना। नमस्कार।